आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं होंगे बहुत खुश होंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ खुश होंगे जी हाँ मॉर्निंग का टाइम है और मेरी तबीयत कल सही नहीं थी इस वजह से ब्लॉग कल नहीं आ पाया था और आज मैं थोड़ी बहुत शूट करूँ आप देख सकते हैं मेरा पूरा हेयर देख सकते हैं पूरा ऑयल ऑयल है क्योंकि तबीयत सही नहीं होने की वजह से मतलब पूरा बाल में ना ऑयलिंग की हुई हूँ और सोची थी कि हेयर वॉश करूँगी बट सोची कि अगर आज अगर हेयर वॉश कर ले तो तबियत ठीक नहीं रहेगी तो आज मैंने वेयर किया है ये वाली अपनी साड़ी ब्लैक वाली ये मेरे कहाँ से ली है मैं आपको बताऊँगी ये बैंगल्स मैंने पहना है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए तो चलिए फटाफट पूजा कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे तो मैं आ चुकी हूँ रूम में बेड को ठीक करने के लिए बाकी सारा काम तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है बस अभी लंच बनाना है तो यहाँ पे बेड मैंने ठीक नहीं किया था जबकि मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के बेड ही ठीक करना चाहिए बट बाबू और राहुल जी सोए रहते हैं इस वजह से नहीं ठीक कर पाती हूँ और जब राहुल जी उठ भी जाते हैं तो भी बाबू कभी सोया रहता है कभी खेलता कूदता रहता है इस वजह से नहीं कर पाती तो मैं सोची चलो नहा वहाँ के आई तो मैंने बेड ठीक कर लूँ क्योंकि बेड ठीक रहता तो लगता है कि हाँ घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है साफ सबको पता ही है कि मेरा यहाँ पे यहाँ पे एक ही रूम है मेरा तो इस वजह से रूम को मैं सही से रखती हूँ वरना रूम फैला, फैला फैला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और आप सब देख सकते हैं मेरे बाल में अभी तक हेयर में ऑयल है क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था मैंने आपको बताया था और अभी तक मेरी तबीयत सही नहीं है बट काम तो है वो तो करना ही है डेली का जो भी काम है तो यहाँ पर मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही थी वैसे तो टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है बट मैंने सोचा कि थोड़ी सी प्रिपरेशन लंच की कर दूँगी तो मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहेगा गड़बड़ी क्योंकि धीरे धीरे मैं भी काम कर रही हूँ पहले की तरह नहीं है कि एक बार में में ही सारा काम करके निकल गई ऐसा कुछ नहीं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहता तो कुछ भी मन नहीं करता है यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्ज़ी और बथुए का साग बनाऊंगी चावल बनाऊंगी यही मेरा आज का लंच है और यहाँ पे ये यह सब मैं कट कर रही थी आलू और गोभी को उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज को कट कर रही थी तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पति जो है मतलब मेरे स्वामी हस्बैंड जी उनका बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ उनका कहना है कि तुम कुछ दिन रेस्ट कर लो तो मैंने कहा ठीक है रेस्ट कर लूँगी लेकिन एक दिन मेरा वीडियो नहीं आया तो मैं खुद ही परेशान हो गई कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ फिर मैं मतलब दिल नहीं माना कि वीडियो ना बनाऊं इस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा बिल्कुल लेकिन मेरे पति का भी बिल्कुल मन नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं उनका मन यही है कि अभी मैं कुछ दिन रेस्ट करूं लेकिन मैं रेस्ट नहीं करना चाहती तो क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे यूटी फैमिली मेरी वीडियो का वेट करते हैं और मैं एक दिन वीडियो ना बनाऊँ एक दिन वीडियो नहीं गया मुझे बहुत सारा टेंशन हो गया था तो देखते हैं मतलब अभी मैं ठीक हूँ थोड़ी सी तो वीडियो शूट कर हो सकता है कि इस दिन मेरी तबीयत सही फिर से ना रहे तो मैं फिर से शूट नहीं कर पाऊँगी बट जितना चाहे कोशिश करूंगी कि आप सबके पास मेरा वीडियो जा सके मैंने उन्हें कहा है कि अभी मैं ठीक हूँ थोड़ा बहुत ही शूट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ परेशानी वाला काम नहीं है मेन प्रॉब्लम होता है एक तो शूटिंग उसके बाद एडिटिंग एडिटिंग करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारे वीडियो में और ब्लॉगिंग तो समझ ही सकते हैं ऑब्वियसली मतलब एक एक घंटे का ब्लॉगिंग होता है जिसे हम दस से पंद्रह मिनट या नौ मिनट में हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बात करते करते मेरा आलू गोभी भी फ्राई हो चुका है उस पर मैंने प्याज और लहसुन इसमें कट कर लिया था थोड़ा प्याज लहसुन रख लेंगे क्योंकि मैं जो बथु बथुए का साग बनाऊंगी उसको थोड़ा सा फ्राई करके बनाऊंगी इसमें और यहाँ पे मैंने मसाला का घोल मतलब लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जो मिक्स मसाला मैं रेडी करके रखती हूँ उसको मैंने पानी में ऐसे कर लिया है और उसके बाद उसको डाल के अच्छे से बना लूँगी तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा पैसा पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सोचिए इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं वीडियो बना रही हूँ मायने तो रखता है ना ये बात मेरी तबीयत सही नहीं है मुझे बहुत फीवर लगता है अंदर से मतलब बिल्कुल भी सही नहीं इतना वीकनेस है फिर भी मैं आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ मैं नहीं चाहती कि एक दिन भी मेरी वीडियो ना जाए आप सबके पास से तो कोशिश यही रहेगी कि मैं जल्द से जल्द सही हो जाऊं और आप सबके साथ रेगुलर वीडियो शेयर करूं क्योंकि एक दिन ही वीडियो गया तो मुझे बहुत टेंशन हो गया ओ माय गॉड बहुत अंधेरा है एक सेकेंड एक सेकेंड विंडो का लाइट है एक सेकेंड <laughs> हाँ अब पूरे तरीके से लाइट आ गया ना मैं ना सो गई थी पता है पूरा मतलब तो पूजा पाठ करके खाना वाना बना के खा के सो गई थी तबीयत सही नहीं था मेडिसिन लिया और सो गई बापू भी यहाँ सो रहा है तो अभी चलिए पीती हूँ चाय और मेरा ये बाल देखिए पूरा चंडी माता की तरह मेरा बाल हो चुका है है ना पूरा चुड़ैल लग रही हूँ मैं चुड़ैल तो गाइज बताइए आप सब कैसे कैसा ठंड है आपके यहाँ प्लीज़ बताना ज़रूर मैंने यार साड़ी वेयर किया क्यों साड़ी वेयर किया पता नहीं बट मुझे मन कर रहा था कि आज थोड़ा सा मतलब थोड़ा सज दर्ज वाला सिचुएशन इसलिए मैंने अपना ये वाला बैंगल्स पहना मैंने साड़ी पहना बट तबीयत सही नहीं रहता कुछ मन नहीं करता है <coughs> तो चलिए चलती हूँ थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ थोड़ा बाल ठीक करती हूँ यार ये या ऐसा बाल लग रहा है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ऐसा बाल चुड़ैलों की तरह मैं बाल ठीक करती हूँ और उसके बाद चाय बनाती हूँ चाय पीती हूँ राहुल जी तो अभी ड्यूटी में ही है मेरे हस्बैंड का ड्यूटी बहुत खतरनाक ड्यूटी है <laughs> बिल्कुल टाइम नहीं है उनके पास अभी तो उनकी भी तबीयत सही नहीं है बट टाइम नहीं है उनको रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है एनी वी गल चलिए थोड़ा सा लाउडली आ जाती हूँ चलिए चाय बनाते पीते हैं थोड़ा सा हेयर ठीक करती हूँ ठीक कर रही थी तो मुझे एक आ, मतलब आपको बताना था कुछ लोग बहुत क्वेश्चन रहे थे मैं बैक कैमरा से बता तो ये ऑर्गेनाइज कंपनी का है रोज पेटल पाउडर प्योर एंड नेचुरल प्रीमियम नो एडेड केमिकल नेचुरल स्किन केयर काफ़ी अच्छा है हाईली रिकमेंडेड है आप ले सकते हैं मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जिसके बेचारा डल दिख रहा है या फिर जिसको फेयरनेस दिखना ये जरूर है ये यूज़ ज़रूर करें तो फिर हमारा वही ड्यूटी शाम के टाइम भी किचन में और मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो भी बर्तन बर्तन धुलने के लिए उसको मैं एक साथ रख लूँगी और उसके बाद चलिए कुछ स्नैक्स खा लेते हैं क्योंकि अभी सो के उठे ना तो मन नहीं करा और आजकल जब से तबीयत ख़राब हुआ ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी खाने का मन नहीं करा आपको मेरी आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा कि मेरी तबीयत कैसा है मैं उम्मीद करूँगी कि नेक्स्ट ब्लॉग भी आप सबके पास मैं लेके आ पाऊँ यहाँ बाबू को मैं उठा रही थी और उठा के उसको मैं बोल रही थी और यहाँ पर उसने सुसु कर दिया हुआ था तो मैं वो निकाल रही थी उसका पैंट और उसके बाद इसको उसको मैं नाश्ता दे रही थी खाने के लिए थोड़े से कपड़े थे जो मैं बाहर से लेके आई थी तो उन सभी को मैं फ़ोल्ड कर दूंगी फटाफट क्योंकि कपड़े ऐसे फैले रहते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी नहीं घर बहुत ज़्यादा फैला फैला लगता है तो मैंने भी उसी में से थोड़ा सा नमकीन खा लिया था उसके बाद ये सब कपड़े मैं सेट कर लूँगी और ब्लॉग को एंड करूँगी बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बहुत ज़्यादा करने का सोची जो ही आपके साथ कुछ भी शेयर कर लूँ थोड़ा सा बहुत भी आप सबको पता चल पाए कि मैं ठीक हूँ बट थोड़ी सी वीकनेस है फीवर थोड़ा सा लग जा रहा है बस यही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सारे कपड़े को फोल्ड कर लूँगी वैसे भी डेली यूज कर इतने कपड़े हम जैसे धो रहे हैं ना अगर वो सूख जा रहा है एक दिन में तो बहुत कम ही ऐसा कपड़ा है जो सूखता है आज वैसे अच्छा खासा धूप बहुत अच्छा खासा था हमारे इधर आपके इधर कैसा ठंडा है बताइएगा इधर तो ठंडा भी बहुत है बट धूप काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है और मैंने यहाँ पे कर लिया है उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर टहलने आ गई थी आ, क्योंकि बाहर में मैं शॉल ओढ़ के आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ठंड लग रहा था आज आ, दिन भर बहुत ज़्यादा दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ वाला धूप था ना तो उतना ज़्यादा शाम के टाइम पर ठंड नहीं था बट मैं बाहर निकल रही थी तो मैंने कहा कि नहीं शॉल रख लेती हूँ वरना ऐसा ना हो कि बाहर निकलो तो फिर से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए इस वजह से मैंने शॉल रख लिया था और थोड़ा सा टहल रही थी क्योंकि ठंड का मौसम जब से आया है ना मेरा मतलब वॉकिंग एकदम छूट सा गया है मॉर्निंग वॉक नहीं हो पाता इवनिंग वॉक नहीं होता कुछ भी नहीं हो पाता जब से ठंड आया मैं कोई वॉकिंग नहीं कर पाती हूँ बट कोशिश करूंगी जल्दी करने का तो अब मैं आके चाय बना रही हूँ यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है दूध दो और चाय हो चुका है रेडी मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग को एंड कर लेते हैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में और गाइज आप सब अपना ख्याल रखिए बहुत ही इस तरह की वाली ठंड है और मैं जा रही फटाफट चाय पीऊँगी मैं सोचिए कि, कि दो मिनट बातें करके ब्लॉग एंड कर दो मिनट बातें नहीं करूँ दो मिनट बातें करूँगी ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मैं नहीं चाहती कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा करो नौ दस मिनट का ब्लॉग मैं चाहती हूँ क्योंकि तो ऑब्वियसली आप सब भी बहुत कीमती टाइम है आपके पास उसमें से टाइम निकाल के आप मेरी वीडियो देखते हैं मुझे इतनी सपोर्ट करते हैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ और फेस बहुत सूखा सूखा लग रहा है आज मैंने सेकेंड टाइम में जो वीडियो डाला था उसमें भी लोग कह रहे थे आपका फेस बहुत सूखा सूखा लग रहा है तबियत ठीक नहीं है आपकी तो जी हाँ बिल्कुल भी तबियत ठीक नहीं है धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगी चलिए गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तो चलिए बाय थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो गाइस लव यू टेक केयर अपना ध्यान रखिएगा अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा जल्दी लेके आऊंगा आप लोग लिए इंटरेस्टिंग सा सब ब्लॉग तो तक के लिए बाय बाय